वेलकम बैक। ये जिंदा है, मेहमान बनकर आए। ठीक है, कितने बदनसीब हैं आप जावेद अख्तर साहब। इसकी वजह क्या है? घटिया तरीन बातें करके चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफ ज्यादा हो गए थे। इस बात पे क्योंकि 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। हमें अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है, अरे झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान में रॉ के एजेंट दहशतगर्दी फैलाते रहे, ये झूठ बोल रहा है। और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप। अच्छा, सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। याद है ना जिस तरह वो आपके इंतहा पसंदों ने। समझ गया भाई, वाह। अरे जावेद अख्तर साहब, ठीक है समझ गया कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये फिजा खलीफा चीख रही है, चिल्ला रही है, ऐसे नहीं चिल्ला रही है भाई। हमें जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान में जाके इन पाकिस्तानियों को करके आए बम्बू किया था 4 दिन पहले, और चीखे अब निकलना शुरू हुई है इन पाकिस्तानियों की। उसका रीजन ये कि ये जो बात जावेद अख्तर साहब ने कही उस समय ये वायरल नहीं हुई थी, ये वायरल हुई है अभी 2 दिन के अंदर। जैसे जैसे वीडियो क्लिप वायरल होती जा रही है वैसे वैसे इन पाकिस्तानियों की चीख निकलती जा रही है, और फिजा खलीफा तो चीख चीख के बावली हो गई। माजरा ये है कि जावेद अख्तर साहब को पाकिस्तान लाहौर से बुलावा आया था, वहीं जावेद साहब ने मुंबई के हमलों का जिक्र कर दिया और ये बताया कि मुंबई हमलों का जो जिम्मेदार था वो आज भी पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। अगर आपने ये क्लिप अभी तक नहीं देखी हो तो ये देख लीजिए आप। अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। चोट इसी जगह मार गया है कि अभी तक चीख रहे हैं, और चीखने में मारे हैं हमारी फिजा खलीफा। फिजा खलीफा ने ये देखा तो तन तन आ गई, बन बन आ गई, भिन भिन आ गई एकदम से, ये क्या कर गया भाई वो। तो चलते हैं पाकिस्तान और इनकी चीखे सुनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी भारतीय शायर जावेद अख्तर की, जो फैज फेस्टिवल में आपको पता है जी लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। अच्छा, मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेजबान उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे, और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। फिजा खलीफा की ये बात सुन गई है तो क्लियर हो गया कि देशभक्ति की जो भी बात करेगा या देश को सर्वोपरि मान के जो बात करेगा वो बीजेपी का आदमी है। तो बीजेपी वालों खुश हो जाओ, तुमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। फिजा खलीफा ने भी सर्टिफिकेट दे दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? लो भाई आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्श दे रहे, भाषण दे रहे हैं भाई, वाह। अरे जावेद अख्तर साहब, क्या कुलभूषण यादव याद है आपको? कुलभूषण यादव नहीं, वो नॉर्वे से आया था और जो अभिनंदन है उसको नॉर्वे ने भेजा था, उनकी बात करते हुए आपकी बकायदा काम पे टांग जाती है। ओ फिजा खलीफा जी, कुलभूषण को आप ईरान चाबहार पोर्ट से पकड़ के लाए थे, एक इनोसेंट को पकड़ के उसको आतंकवादी बनाने में लगे हुए ताकि भारत का नाम खराब हो। क्या बात, ये बात है। रही बात अभिनंदन जी की, तो जावेद अख्तर साहब तो जुबानी तीर मार गए थे, उन्होंने तो तुम्हें घर में घुस के उड़ाया था, तभी तो चीख निकल रही तुम्हारी। असल में आपको वापसी की फिक्र खाए चली जा रही थी कि कहीं जो गुजरात का कसाई वहाँ बैठा हुआ है वो पाकिस्तान जाने की पादाश में गाय पकड़ने का इल्जाम लगाकर आपको जिंदा ना जला दे, ये थी आपकी सही फिक्र। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? पता नहीं, जो नजर आ रही थी आपके अल्फाज में, बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप। अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब, और इतना ही डर है तो आते क्यों है? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। ये बढ़िया क्या जावेद अख्तर साहब, बहुत बढ़िया क्या। भूल गए अपनी सरकार का फैसला कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मैं आपको जरा याद करवाना चाहूंगी आपकी सरकार का फैसला, जब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड नहीं आने देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफ ज्यादा हो गए थे, तब क्यों नहीं बोले? और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा, तब क्यों खामोश रहे आप? तो फिजा खलीफा जी, जावेद अख्तर के क्या विचार है तो मुसलमानों के ऊपर, तो ये भी सुन लीजिए आज आप। ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंक्चर लगाने की दुकान है, वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे। क्यों? वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंक्चर ही लगाता था।
वो समझ रहा है कि मैं इनकी औलाद हूँ, और बाकी लोग जो हैं जो मुसलमान नहीं है वो भी कहते हैं देखो मुसलमान हो तो ऐसा हो यार। अब ये हमारा पड़ोसी जो है वो पंक्चर लगाता है, वो कोई मुसलमान है? असल में तो ये है, तो अब ये तय हो चुका है फिल्मों में कि अगर आप मुसलमान हैं तो या तो आप शायर होंगे या नवाब होंगे, आपके घर में वो लगे होंगे चैंडलियर, और चिक के पीछे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी होगी। सारी मुसलमान लड़कियां साधना की शक्ल की होती है। समझौता एक्सप्रेस जला दी गई, पाकिस्तान में रॉ के एजेंट दहशतगर्दी फैलाते रहे, कश्मीर में और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहे, वहां बात करते हुए आपकी जबान लड़खड़ाती है। और जो शबाना आजमी, उनका वो इंटरव्यू मेरे ख्याल से आपको हुआ जिसमें क्या कहा था उन्होंने कि जी मुसलमान होकर हम मुंबई में एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकते, याद है आपको? नहीं याद? नहीं। कितने बदनसीब हैं आप जावेद अख्तर साहब, एक फ्लैट भी नहीं मिल सका आपको वहाँ पे। झूठी हो फिजा खलीफा, तुम एक नंबर की झूठी हो। फ्लैट क्या है, इनके तो बंगले हैं बड़े बड़े, नाम दौलत शोहरत जो भी कमाया सब मुंबई से कमाया। तुम्हारी ये बात सुन के पाकिस्तानी जरूर खुश होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ठीक है जी। हमेशा हिंदुत्व की तारीफ, पाकिस्तान पर तनकीद की आपने, लेकिन जूते ही पड़े आपको, जूते। और हाँ एक और बात, अगर दहशतगर्दियों आज़ाद फिर रहे होते तो आप इस तरह हमारे ही मुल्क में बैठकर हमारी रोटी खाकर गाने गाकर हमें ही बुरा भला ना कह रहे होते, सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते और भी बहुत कुछ होता। ये बिल्कुल सही बोल रही है फिजा खलीफा बिल्कुल सही बोल रही है। अगर ये क्लिप पहले वायरल हो जाता जिस दिन ये बात कही थी उन्होंने, तो इनका पाकिस्तान से जिंदा बच के आना मुश्किल नहीं था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। और नहीं तो क्या, क्योंकि जावेद अख्तर साहब की ये क्लिप 3 दिन के बाद वायरल हुई है जब तक वो इंडिया आ चुके थे, और अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर हंगामे मचे हुए। और मेरी मासूम फिजा खलीफा जी, यूनाइटेड नेशन ने 140 से ज्यादा इंटरनेशनल आतंकवादी जिनको घोषित किया है वो आपके प्यारे मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, किसी और मुल्क के अंदर इतने आतंकवादी नहीं रहते हैं। भारत तो झूठ बोल सकता है, यूनाइटेड नेशन थोड़े ना बोलेगा। जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, बेशर्मो बेहयाओ। और तो और फैज अहमद के फैज के जो निवासे हैं अदील हाशमी, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है तो शायद उनकी जो बेतुक्का और बेतुक्की और घटिया बातें हैं उनको उठाकर हमेशा की तरह भारत कोई ना कोई फेंका, और फिल्म का नाम शायद ये रख दिया जाएगा एक जांबाज लिखारी। लेकिन जावेद अख्तर मेरी बात याद रखिएगा, चाहे जो भी कर लें, जितने भी तलवे चाट लें, जूते पड़ना आपको फिर भी बंद नहीं होंगे। हिंदुस्तान में ना तो आपको फ्लैट मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी। जूते भी आपको पड़ रहे हैं और इज्जत भी नहीं मिल रही आपको, और इज्जत तो छोड़ो भीख भी नहीं मिल रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। कि जी मुल्क दिवालिया ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है, डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अरे कल फंस गया मुंह में। नहीं, अब आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अब आपके जो विचार वो कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।